नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है 14 अक्टूबर 2024 और यहां पे 15 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं वीडियो पसंद आए ज़रूर फीडबैक करें कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए आपको जैसा कि पता है मेरा इंटर ट्रेडिंग कोर्स का इनरोमेंट स्टार्ट है आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी इनोलॉलमेंट ले सकते हैं जो इक्कीस अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है लास्ट डेट इनरोलमेंट का अट्ठारह अक्टूबर है तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से देखिए जबरदस्त मूवमेंट और जो क्लोजिंग चाहिए था वो क्लोजिंग मुझे मिला इक्यावन एक और बाधा है है ना वो अभी आधा है और वो है बावन हजार ऊपर चाहिए मैंने कहा था इक्कावन आठ सो से लेके बावन हजार तो वाला का तो सस्टेन हो गया क्लोजिंग आठ सौ सोलह पे कर रहा है।, है ना लेकिन अब जो सेकेंड बात है वो बावन हजार है इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो फिर गिरावट जो आपने देखा था चार हजार पॉइंट का वो मामला मैनेज कर लेगा ये तुरंत फिलहाल ऑप्शन डेटा पे देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या चल रहा है तो एक ही दिन में ये ओवर बाउट के कंडीशन में आ गया कल तक ओवर सोलह था आज ओवर बाउट हो गया एकावन आठ सौ सोलह पर है पीसीआर इंडिया विक्स जो है बिल्कुल थर्टीन पर चल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं पीसीआर थोड़ा सा ओवर बाउट सिचुएशन में है अब जो स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि हम इक्यावन आठ सौ पर क्लोजिंग कर रहे हैं है ना कहाँ पर कर रहे हैं इक्यावन आठ सौ पर क्लोजिंग कर रहे हैं तो ये एरिया आपको ध्यान रखने लायक बात है यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर का डिफरेंस देखेंगे तो खास डिफरेंस नहीं है इक्यावन आठ सौ पे यहाँ पे चौदह लाख अठारह अगर कॉल राइटर है पुट राइटर बारह लाख के आसपास में तो यहाँ ज़्यादा मामला नहीं मामला आपको बनेगा अगर इसमें कुछ ख़राबी इंट्रा डे में आना है तो वो आता है इक्यावन सात सौ के आसपास में क्योंकि यहाँ पे लगभग तेरह लाख पुट राइटर है और इधर दस लाख कॉल राइटर है अब ये देखिए यहाँ पे तो पुट राइटर हमारा सही है, है तीन तीन है लाख ज्यादा है इसके मुकाबले इसीलिए अगर इसके नीचे गिरता है तो ये पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा इधर वाला पुट राइटर तो ये शॉर्ट कवरिंग मारेगा तो इसको धीरे से खींच के नीचे ले आएगा ठीक है खींच के मतलब नीचे की साइड में लाएगा तो नीचे यहाँ है तो ये कहां तक जा सकता है अब सवाल तो ये है तो सवाल ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा अब ये इक्यावन चार सौ तब तक जब तक की कोई खराब न्यूज ना हो एकावन चार सौ और एकावन पाँच सो ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके आसपास जाने का कोशिश किया जा सकता है क्योंकि इस दो एरिया पर अगर देखें तो लगभग बाईस और ग्यारह तैतीस एक चौंतीस लाख थर्टी फोर लाख हमारा कॉल पुट राइटर है और कॉल राइटर अगर देखें तो दस तीन तेरह चौदह लाख तो चौदह लाख के मुकाबला थर्टी फोर लाख ज्यादा है तो एकावन चार सौ एकावन पाँच सौ बहुत ही अच्छा सपोर्ट है तगड़ा सपोर्ट तो एकवन तीन सौ पे मिलेगा यहाँ पे देखिए पंद्रह लाख पुट राइटर है कॉल राइटर है ही नहीं मात्र चार लाख है तो आप कह सकते हैं कि बाय ऑनडीप कर्स करना होगा आपको अगर ये काबन 300 से 500 के रेंज में अगर आता हुआ मिले तो बिल्कुल खटाक से नहीं बाय करना सेलिंग के लिए पहले हमें देखिए बावन हजार का जो रेंज है ना ये ध्यान रखने आगे इसके पास में पौने दस लाख हमारा पो ट्राइटर कॉल राइटर तेईस लाख है इसीलिए इसके ऊपर टिक नहीं रहा है है ना और एकावन नौ सौ के पास में भी आप देखें तो चार लाख पो ट्राइटर कॉल राइटर बा, साढ़े बारह लाख है तो एकावन नौ सौ से बावन हज़ार इसलिए मैंने बावन हजार के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ये अगर निकल जाता है ना तो आपको तुरंत से दो से तीन सौ पॉइंट दो तीन सौ पॉइंट आराम से मिल जाएगा उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बावन दो सौ बावन तीन सौ आ सकता है तो अभी हम सेल ऑन राइज बावन तीन सौ चार सौ पर देखेंगे बाय ऑन डिप एकवन तीन सौ से पांच सौ के बीच में देख रहे हैं। ये स्थिति बन रहा है डेटा यही बता रहा है कल भी हो सकता है आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले क्योंकि काफी दिनों बाद इसने एनआर सेवन मैंने कल आपको बताया था कि मेरा एनआर सेवन और एन आर फोर स्ट्रेटेजी है ये उसी में ये फंसा हुआ है और उसको इसने ब्रेकआउट किया है तो मुझे लग रहा है कि कल एक ब्रेकआउट और भी मिल सकता है आपको सिचुएशन तो यही बता रहा है खरीदारी बनेगी एक हजार नौ सौ के ऊपर इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई करेंगे क्योंकि आठ का हाई है क्लोजिंग 816 है तो आप कह सकते हैं कि 80 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है लगभग बराबर है क्लोज इक्वल टू हाई तो एकवन नौ के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे और टारगेट पहला वाला बावन और इसके ऊपर अगर टिक गया तो ये आपको बहुत तेजी से बावन एक से लेके बावन तक जाता हुआ नजर आ सकता है देखिए बैंक निफ्टी को हज़ार डेढ़ हजार पॉइंट चलने में टाइम लगता नहीं है आपको भी ये बात अच्छे तरीके से पता है तुरंत चलता है नए नए लोग जो घुसे थे इस साल डेढ़ साल पहले मार्केट में वो शायद नहीं जानते हो इस बात को कि कितना तेज इसका मूवमेंट होता है तो हारने को होने को दो दो दिन में कर देगा ये पूरा लेकिन हमें ऊपर के लेवल पे भी सावधान रहना है क्योंकि सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई अभी भी इजराइल और लेबनान का मामला चल ही रहा है है ना क्रूड अभी भी अठहत्तर पे टिका हुआ है ये सब वेट एंड वॉच वाला कंडीशन में और ऊपर से फेस्टिव सीजन है पैसे का डिमांड है तो ये ध्यान रखना है बावन तीन सौ कॉल राइटर कॉल ऑप्शन लेना है तो सौ का भी ले सकते हैं फिफ्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का या फिर बावन हजार का भी लेके चला जा सकता है लेकिन सेलिंग कंडीशन में अब चूंकि हम एकावन आठ सौ पर सस्टेन कर रहे हैं ये भी आपको पता है हमें चाहिए सेलिंग तब करेंगे जब एक सात सौ के नीचे आएगा तब इसके नीचे अगर आ जाता है एकावन सात सौ के नीचे तो जरूर एक सेल का कंडीशन आपको मिलेगा और इस कंडीशन से अभी मैंने आपको डेटा भी दिखाया कि एकावन पांच सौ तक आने का चांस बन सकता है ये पहला सपोर्ट है फर्स्ट सपोर्ट एकावन ये अगर टूटता है तो फिर ये एकावन चार सौ से लेके एकवन हजार तीन सौ तक जा सकता है देखिए एकावन हजार दो सौ पचास आज के आसपास का सपोर्ट था तो वो एकावन तीन सौ का एरिया को मैं पकड़ के चल रहा हूं तो आप कह सकते हैं कि एकावन तीन सौ पर आते ही बाउंस आ सकता है इसके आसपास खरीदारी आपको देखने को मिलेगा आप इस कंडीशन से पुट ऑप्शन पे अगर नजर रखें सेलिंग साइड में

ये सब टेस्टेड है कि अगर इसके ऊपर टीका तो टीका ये वाला मामला रहता है अब इसको जरा आवरली चार्ट पे देखिए आप ठीक है जैसे ही आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज है ऊपर जिसका भाव कितना आ रहा है है ना ये 165 का है कितना आ रहा है ये आ रहा है बावन यानी ये बोल रहा है कि आवरली चार्ट पे हम फिफ्टी डे के तो ब्रेक कर चुके हैं अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वन और उसका भाव आता है बावन टारगेट ये बावन को क्लेम कर सकता है देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाए गिर जाए वो अलग मुद्दा है लेकिन टारगेट आपको गैप अप कंडीशन में है ना गैप अप कंडीशन में अगर ये ऊपर के साइड में जाता है आज भी देखिए बहुत अच्छा जगह से इसने अपने आप को रिस्पेक्ट किया था कल मैंने ये लेवल बताया था इक्यावन आठ सौ के आसपास थोड़ा सा गिरना चाहिए आया वहां से सीधे आपको डेढ़ सौ पॉइंट मिला और फिर उसको ब्रेकआउट किया तो फिर सौ पॉइंट मिला तो एक चांस ये दिया यहाँ पर आके ये दो नौ तारीख का, दस, दस का ये सब क्या था? था, सपोर्ट था? था, तो, तो एक सौ पांच सौ यह सब सपोर्ट है लेकिन अगर ये गैप अप खुल जाए इन केस और ये डायरेक्टली बावन के ऊपर खुल जाए ठीक है बावन के ऊपर खुल जाए बावन से बावन पर खुल जाए अगर ये गैप अप टू से फिफ्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास में अगर ये गैप अप खुलता है फिफ्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड से लेके फिफ्टी टू थाउजेंड के, के आसपास में अगर ये गैप अप खुलता है तो एक बार फर्स्ट कंडीशन में आपको एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं आप बावन हजार या इक्यावन हजार आप ऐसे समझे इक्यावन हजार नौ सौ से, से लेके फिर इक्यावन हजार सात सौ तक का एरिया को एक बार ये क्लेम करने आ सकता है इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो बावन हजार नौ सौ का भी लेके चला जा सकता है ये ध्यान है कि 16 को इसका होगा तो कल और अगर ये गैप डाउन हो जाता है कि नीचे, ही खुल हो नीचे खुल जाए और नीचे अगर ये आपको कहा अभी मैंने आपको बताया था तीन से लेके एक सौ का वो रेंज है जहां पे आपको बाय ऑन डीप करना है बाय करना ही चाहिए इस जगह पे टारगेट ऊपर छह सौ से लेके वापस एकावन आठ सौ तक के लेवल बन सकता है कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखेंगे अगर नजर तो एक चार सौ के प्राइस का रखें कोई दिक्कत नहीं इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट बना हुआ है फिलहाल अभी के लिए अब हम देखते हैं निफ्टी का क्या चल रहा है हिसाब किताब देखिए एक वीडियो भी मैंने डाला है इंडिकेटर स्ट्रेटजी दोस्तों है ना कब कहा कैसे यूज करें उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक बेसिक टू एडवांस समझाने का कोशिश किया आप जरूर देखिए उस वीडियो को अगर आप स्ट्रेटजी इंडिकेटर वाला कोई यूज करते तो आपके लिए वो वीडियो काफी यूजफुल होगा अब देखिए निफ्टी निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए तो 25,200 वाला है भैया अभी यह अधूरा है है ना काम अभी पूरा हुआ नहीं है इसमें अभी यहाँ देखिए ऐसे करके मैं ड्रॉ करूंगा तो ये पच्चीस दो सौ जाता है और इसको मैं यहाँ से बॉटम डाल दूंगा यहाँ तो ये आता, ये आता है हिसाब के कंप्लीट हुआ नहीं अभी देख ना ये यहां से टकरा के वापस यहाँ गया तो यहां से टकरा वापस यहां आना चाहिए ना तो इस हिसाब से अभी ये अधूरा है तो मेरे लिए निफ्टी में ब्रेकआउट होगा तब जब निफ्टी ऊपर के साइड पच्चीस हजार एक सो साठ के ऊपर कितना के ऊपर इस लाइन के ऊपर बाय करेंगे पच्चीस हजार एक सौ साठ के ऊपर बाइंग होगा और टारगेट इस कंडीशन में पच्चीस हजार दो सौ का एक छोटा वाला एक उसके बाद पीछे गिरा है इस एरिया से तो गया दोस्तों तब ये आपको 25250 से फिर 25300 का रेंज टच कर सकता है तीन के ऊपर नहीं जाएगा अलग बात है लेकिन इस एरिया के आसपास आ सकता है क्योंकि ये रजिस्टेंस है कॉल ऑप्शन की तरह आप नजर रखें तो 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का फिफ्टी टू थाउज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का लेके चला जा सकता है इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा सवाल है कि रिजेक्शन कहाँ से इसको मिल सकता है है ना सेलिंग कहाँ से आ सकता है आज तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने अच्छा मूवमेंट किया तो हमने एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये अगर अब गिरता है तो देखिए ये लाइन ही आपको बताएगा हर चीज हर बात ये लाइन अब मैं यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रॉ करूंगा तो ये आता है अरे यहाँ ऐसे करूंगा तो यहाँ तो आता कितना पच्चीस हजार है ना अब ये बोल रहा है पच्चीस हजार पचास और पच्चीस हजार ये दो एरिया है जिसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए ये बता रहा है क्योंकि अगर गया तो ये फिर ये चौबीस नौ सौ पचास आ जाएगा तो अगर हम सेल करने के लिए भी ढूंढते हैं अगर हमें सेलिंग भी करना है तो हम करेंगे पच्चीस हजार एक सौ के नीचे कितना के नीचे सेल भी करते हैं तो हम करेंगे पच्चीस हजार एक सौ के नीचे और इस कंडीशन से टारगेट आएगा पच्चीस हजार पचास और दूसरा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पे रुक जाना चाहिए नहीं रुका तो चौबीस तक आएगा ज्यादा खराब हुआ तो चौबीस नौ सौ हालांकि इसके नीचे वो नहीं जाना चाहिए पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो पच्चीस हजार एक सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख के चल सकते हैं इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा बहुत ही सिंपल है अभी देखते हैं हम लोग कि अगर ये गैप अप फिर से खुलता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये हर है पच्चीस चार सौ पचास उतना ऊपर तो ये खुलेगा नहीं अब कुछ भयानक चीज़ हो जाता है तो लगवाता है या फिर पच्चीस तीन सौ ज़्यादा से ज़्यादा ये पच्चीस तीन सौ का गैपअप ले सकता है लेकिन हम लोग ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखें तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि भैया जी इसके पास में पी सी आर अभी भी बहुत गैप बचा हुआ है ओवर शोल्ड होने में ओवर बाउट होने में है ना विक्स भी बहुत अच्छा चल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं

पच्चीस हजार बहुत अच्छा सपोर्ट है क्योंकि यहाँ छियासठ हजार है छियासठ हजार पुट राइटर है छियासठ लाख काफी अच्छा सपोर्ट है इसके नीचे नहीं जाएगा जाएगा तो फिर नौ वाला भी रोक लेगा कोई दिक्कत वाली बात पर तो नहीं नजर आ रहा है फिलहाल अभी अब इसको गैप अप में तो हम सेल तभी करेंगे जब ये मुझे पच्चीस तीन के आसपास मिलेगा आसपास यानी दो सौ है ना पच्चीस तीन के जितना नजदीक होगा वहां पर सेल होगा और इस कंडीशन से ज्यादा टारगेट का उम्मीद भी नहीं करना है पच्चीस दो सौ पचास से पच्चीस हजार पच्चीस हजार दो सौ तक के लेवल आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का मिल सकता है और पुट ऑप्शन आप नजर रखेंगे तो पच्चीस हजार तीन सौ के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख के चल सकते हैं इंडेक्स नीचे आने पर यह पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया है ना यानी कि नीचे खुल गया तब अगर ये नीचे खुलता है और डायरेक्ट ये पच्चीस हजार पर ही खुल जाए ऐसा हो सकता है संभावना मेरे लिए लेवल आएगा चौबीस नौ सौ का इस एरिया के आसपास मिलेगा तो खरीदारी होगा अदरवाइज पच्चीस हजार भी खरीद सकते हैं और नीचे आने पे क्वांटिटी को एड करना पड़ सकता है यानी कि बाय ऑन डीप टारगेट ऊपर हो जाएगा पच्चीस से फिर पच्चीस तक के लेवल और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखेंगे तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा कोई दिक्कत नहीं यह निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण मंगलवार के लिए 15 अक्टूबर 2024 के लिए बाकी पसंद आए फीडबैक करें कमेंट करें जो लेवल देता हूं ना अपने टेलीग्राम चैनल पर मोबाइल ऐप पर आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर ऑर्किटेरिंग टेलिशोरेंस ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में रहता है आप उसको ज्वाइन करिए मज़ा लीजिए फ्री सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद